हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट कैप राउंड ऑप्शन फॉर्म। तो जैसे ही कैप राउंड की अलॉटमेंट डिक्लेयर हो चुकी है, सभी स्टूडेंट्स कैटेगरी में डिवाइड हो चुके हैं। कैटेगरी से मेरा मतलब है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हो चुका है और उन्होंने वो कॉलेज फ्रीज करके एडमिशन ले लिया है, जबकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कॉलेज अलॉट हुआ है बट वो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी उससे बेटर कॉलेज के लिए। और यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको कॉलेज अलॉट अभी तक नहीं हुआ है। तो ये सभी स्टूडेंट के बारे में आज के इस वीडियो में हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी नेक्स्ट कैप राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको अपनी कॉलेज की लिस्ट यानी ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट किस स्ट्रेटजी से बनानी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप करे देखना। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो जैसे अब हमें कंसिडर करते हैं कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, तो उनको अपनी कॉलेज के ऑप्शन फॉर्म की लिस्ट कैसे बनानी चाहिए। अब ये जो स्टूडेंट है जो बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, यानी उनको अभी जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे बेटर कॉलेज एक्सपेक्टेड है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि वो मैक्सिमम नेम ऑफ कॉलेज ना डाले अपने ऑप्शन लिस्ट में, बिकॉज उनको कोई कॉलेज अलॉट हुआ है यानी उनके पास एक सीट तो रिजर्व्ड है। तो उस कॉलेज से जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है, अगर वो उससे हाई कट ऑफ के कॉलेजेस डालेंगे और अगर वहाँ का कट ऑफ कम आता है, अकॉर्डिंग टू देयर परसेंटाइल आ जाता है, तो उनको वो ऊपर का कॉलेज अलॉट हो सकता है, चांसेस है अलॉट होने के। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मैक्सिमम कॉलेजेस के नेम ना डालें अपने लिस्ट में, बल्कि उसी कॉलेज का नेम डालें जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है कि आप एडमिशन लेना चाहते हैं, यानी बेस्ट कॉलेजेस आप कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज एक सीट बेटरमेंट के बाद आपके हैंड में ऑलरेडी है, एक सीट आपकी रिजर्व रहेंगी, तो आप दूसरे कॉलेजेस के नेम डाल सकते हैं जो बेस्ट है, जहाँ पे आपको एडमिशन लेना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट होता है कि क्या हमने जो कॉलेज ऑलरेडी डाला है, क्या हम वही कॉलेज का नाम दोबारा डाल सकते हैं? तो ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज जो कॉलेज आपको ऑलरेडी अलॉट हो चुका है वो कॉलेज ऑटोमेटिकली लिस्ट में आ जाता है नीचे साइड, तो वो कॉलेज का चॉइस कोड ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके ऑप्शन फॉर्म लिस्ट में। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का ये भी डाउट है कि क्या हम उसी कॉलेज की, जो कॉलेज हमें अलॉट हुआ है, उसकी TFWS का चॉइस कोड फिल कर सकते हैं अपने ऑप्शन फॉर्म में? तो ये आप ऑलरेडी कर सकते हैं, बिकॉज TFWS का जो चॉइस कोड होता है वो डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपने जनरल के को चॉइस कोड में फिल किया है, यानी जनरल का जो चॉइस कोड है एंड TFWS का चॉइस कोड है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो आप डेफिनेटली TFWS उस कॉलेज का फिल कर सकते हैं अपने ऑप्शन फॉर्म में, बट TFWS के कैटेगरी में सीट मिलना ये डिपेंड करता है कि उस सीट के लिए कितने क्वांटिटी ऑफ लोग अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्सो कितने परसेंटाइल है उन स्टूडेंट्स को जो भी TFWS सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप डेफिनेटली इसके अकॉर्डिंग अपने ऑप्शन फॉर्म के लिए ज़रूर से बना सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगी कि जो भी आप अपने ऑप्शन फॉर्म में कॉलेजेस के नेम डाल रहे हैं, वो आप आपके प्रीवियस कैप राउंड यानी 1-2 जो भी कैप राउंड हुआ है उसके कट ऑफ को देख के डालिए, क्योंकि अक्सर कट ऑफ कम हो सकते हैं, तो इसीलिए अगर आप वो कट ऑफ का रेफरेंस लेके डालेंगे तो आपको बेटर कॉलेज अलॉट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आई होप जो भी स्टूडेंट बेटरमेंट लिस्ट के लिए जा रहे हैं उनको ये स्ट्रेटजी ज़रूर से हेल्प कर पाएंगी। अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन है कि आपको कॉलेज तो अलॉट हो चुका है तो आप बेटरमेंट के लिए जाए या एडमिशन लेके फ्रीज कर दें, तो देखो इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज कॉलेज अलॉट हो चुका है यानी एक सीट तो आपके हाथ में ऑलरेडी है। आप अगर बेटरमेंट के लिए जाते हैं अभी भी तो आपका कोई ऐसा मेजर डिसएडवांटेज नहीं हो सकता, बिकॉज एक सीट आपकी ऑलरेडी सिक्योर होंगी। जब आप सेकेंड सीट के लिए जाएंगे यानी बेटरमेंट ऑप्शन ऑप्ट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, बिकॉज एक सीट आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर आप इस कन्फ्यूजन में हैं कि कॉलेज अलॉट होने के बाद भी क्या हम बेटरमेंट के लिए जाइए एडमिशन ले ले, थर्ड कैप राउंड के लिए जाए, सेकेंड कैप राउंड के लिए जाइए एडमिशन ले ले, तो इट्स अप टू यू। अगर आप चाहते हैं उससे बेटर कॉलेज भी आपको मिल सकता है, अगर आपको ऐसा थोड़ा सा भी डाउट है तो आप ज़रूर से बेटरमेंट के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि ये कॉलेज जो मिला है वही अच्छा है, यही एडमिशन लेना है हमें, तो आप ज़रूर से फ्रीज का ऑप्शन क्लिक करके पूरी जितनी एडमिशन प्रोसीजर है उस इंस्टीट्यूट में जाके कंप्लीट कर सकते हैं। अब जितना भी शेड्यूल है बी फार्मेसी, डिप्लोमा एंड मास्टर्स के लिए, उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप वो वीडियो भी मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, आई होप ये स्ट्रेटजी उनको बहुत यूज़फुल हो। अब हम बात करते हैं मेजरली उन स्टूडेंट्स की जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। अब आई नो ये जो स्टूडेंट है जिनको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत वरीड होंगे कि वो एडमिशन कैसे ले, कॉलेज अलॉट नहीं हुआ थर्ड राउंड तक तो क्या करे, बहुत कुछ।
तो अब मैं उन स्टूडेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बताना चाहती हूँ जो थर्ड राउंड में या फिर सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उन्हें कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो देखो, कैप राउंड, नेक्स्ट कैप राउंड में तुम्हारे पास और एक चांस है। अब कई स्टूडेंट को ये डाउट होता है, जो हमने कैप राउंड वन में कॉलेजेस के नाम डाले उनमें से एक भी कॉलेज हमें नहीं मिला, तो कैप राउंड टू में क्या हमें और कॉलेज ऐड करने का ऑप्शन अवेलेबल होता है? तो ये ऑप्शन अवेलेबल है, यानी आप मैक्सिमम कॉलेजेस डाल सकते हैं कैप राउंड टू में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं। यानी आप एक न्यू कॉलेज की लिस्ट बना सकते हैं जिसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेज डालिए। यानी आपको कोई भी ऑलरेडी कैप राउंड में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो ये कैप राउंड में आपके पास एक चांस है कि आप प्रीवियस देखिए, जिस कॉलेज में आपका परसेंटाइल फिट हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाइए कॉलेजेस की, और वो कॉलेजेस के नाम अपने ऑप्शन फॉर्म में ऐड करने का ट्राई कीजिए। बिकॉज जितने मैक्सिमम कॉलेजेस के नाम अपने ऑप्शन फॉर्म में डालेंगे उतना आपका चांसेस ऑफ गेटिंग अ कॉलेज बढ़ सकता है। बिकॉज आपके परसेंटाइल लो होने की वजह से फाइट ऑफ गेटिंग अ कॉलेज ऑलरेडी इंक्रीज हो जाती है, तो आप जब मैक्सिमम कॉलेजेस का नाम डालते हैं तब आपका चांसेस एटलीस्ट बढ़ सकते हैं। हो सकता है उस कॉलेज का कट ऑफ कम आए जो आपने डाले हो। तो इसमें मैं सजेस्ट करूंगी कि आप मैक्सिमम कॉलेज नेम डालिए, ऑल्सो जो लास्ट कैप राउंड का कट ऑफ है वो भी जरूर कंपेयर कीजिए। इसके बाद जो भी आपने कैप राउंड वन में कॉलेजेस डाले हैं वो भी आप दोबारा डाल सकते हैं, ऑल्सो अगर आपको न्यू कॉलेज ऐड करने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको ज़रूर हेल्प करे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलने के लिए। एंड आई वॉन्ट टू विश ऑल द बेस्ट टू एवरी स्टूडेंट जो भी कैप राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई होप उनका प्रेफर्ड चॉइस ऑफ कॉलेज उनको ज़रूर से मिल जाए। अगर ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ऑल्सो अगर आपके कोई और डाउट्स है रिगार्डिंग द स्ट्रेटेजी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।